एकता परिषद का शुरुआत पिछले 25 साल पहले हुआ था। आज जो एकता परिषद में काम कर रहे हैं, ऐसे साथियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जल आंदोलन का रूप इसलिए लिया कि यहाँ मोहला ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ रोजगार की कमी है, उपार्जन जो जंगल से होता है यहाँ आदिवासी बहुलियों के लिए, कि उनकी 6 महीना की जो रोजी रोटी चलती है जंगल से वो भी समाप्त हो रही है, क्योंकि ये जंगल कटाई के कारण इनको बहुत परेशानी आती है। खेती करने योग्य अभी ज़मीन नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए पलायन की ओर जाते हैं, इसलिए इन लोग जन आंदोलन की ओर चल पड़े। जो खेती की करत हन कुरु के, ओकर हमला बहुत से अवगुण मिलिस, फायदा मिलिस। आगे तरफ देखा काबा की खोदो लुप्त जात्री से हमारे राज्य में, तो एला हम देखें एकर से बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े शुगर है और एकर से कई बीमारी है, तो ये एकर खाए से बहुत दूर होती से होते। जिमें हमन एक कट्टा में बोएन 2 एकड़ में, तो हमला मिलीस 2 एकड़ के है 25 कट्टा कोदो मिले है। कि हमला जो एकता प्रसाद सर बता है और मार्गदर्शन हमला बहुत अच्छा लगी से, हम आगे और एला हम बढ़ाना ऊपर तक के लेना चाहते हैं। पूर्व में भारत सरकार ने जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद में इस मुद्दे को उठाया जाए और वो वहाँ पे बिल पर रखा हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखने के बाद भी उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए उस मुद्दे को लेकर के हम जा रहे हैं। छठवां मांग ये कह रहे हैं कि सारे मुद्दों को लेकर के, सारी समस्याओं को लेकर के सरकार ऐसा कोई एकल खिड़की योजना लागू करे जिसमें सारे मुद्दों का समाधान लंबी प्रक्रिया से ना हो करके वो सरल प्रक्रिया में कैसे निपट सके, इसकी एक तैयारी। महिलाओं को सशक्ति करने का काम मैं करती हूँ, नेतृत्व करने का मेरा भूमिका है और मैं महिलाओं को आर्थिक से जोड़ती हूँ। अभी ग्राम कर्मोता में कोदो चावल को तैयार करते हैं और उसको बिजनेस की तरह नहीं, हम शुगर पेशेंट के लिए हम उसको तैयार करते हैं। हम इसको ध्यान में रखते हुए इस कोदो चावल को तैयार कर रहे हैं और जो भी मरीज हैं वो लोग उसको ले जाते हैं। हम जन आंदोलन में काम करते हैं तो एक तो ये इस क्षेत्र में राजनीति, दूसरी सेंसिटिव एरिया होने के कारण और सरकार की वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं, तो इस बीच में हम एकता परिषद का काम है, समाज सेवा का काम है, थोड़ा सा सामने चुनौती आ जाती है। हमारी जन आंदोलन के बाद वापिस आने के बाद लोगों को वन अधिकार पट्टे मिले, उसके साथ साथ आवास को भी जोड़ा उसने और रोजगार गारंटी भी दिया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था कि साल भर की मैंने काम दूंगा और ग्रामीण की विकास होगा, गांव का विकास होगा, जितना उनने अवशासन दिए उतना पर्याप्त नहीं हुआ अभी तक भी।